पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कोविड के केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है उसमें एक इंक्रीज देखने को नज़र आ रहा है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस में एक इंक्रीज है। पिछले वीक में हमारे लगभग 100 के करीब केसेस आए थे, इस वीक में जो बढ़कर 140 के करीब केसेस आए हैं। हमने टेस्टिंग तो ज़रूर बढ़ाई है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी की जो रेट है उसमें भी एक मार्जिनल इंक्रीज है। तो मेरी एक अपील है आवाम से कि हम ये मान के चले कि कोविड हमारे बीच में है, और उससे बचने के लिए जो हमारे तरीके हैं हम सब जानते हैं आज, कि मास्क पहने हैं और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, अननेसेसरी जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करें, और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं या कुछ भी जो फ्लू लाइक सिम्टम्स कोई भी आते हैं, ये ज़रूर अपने नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पे रिपोर्ट करें, और इन सिम्टम्स को हम दबाएं ना। ये ज़रूरी हो गया है कि हम, चूँकि आज मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय तक केसेस कम रिपोर्ट हो रहे थे, तो जाहिर बात है कि लोगों की जो कोविड को लेकर सतर्कता होनी थी उसमें भी एक कमी आई है। बट मैं एक अपील करना चाहूँगा सबसे कि आप ये गार्ड को लोअर ना करें। अभी कोविड की जो पैंडमिक की सिचुएशन है, अभी हम देख रहे हैं कि सर्ज इसमें केसेस में आ रही है, और हमें ज़रूरी है कि सिचुएशन और ख़राब ना हो, उसके लिए हम जितने भी ज़रूरी इकदाम हैं वो हम ज़रूर लें। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि लोग, जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन हासिल नहीं करी है या जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है, वो ज़रूर अपनी वैक्सीन हासिल करें, और ये हमारे सामने है कि वैक्सीन कारगर है और उसके कारण जानें बची हैं, ताकि हमारे इस एक्शन से जो बीमारी है इसको रोकथाम इसमें आए, इसमें एक ब्रेक लगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन में एक ब्रेक आए, और हम खुद को भी बचाएं और हमारे ज़रिए हम बाकियों तक ये बीमारी ट्रांसमिट ना करें, बुज़ुर्गों को स्पेशली या बच्चों को, बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस कोविड की महामारी में एक साथ होकर इसमें लड़ाई करें, और एकजुट होकर अपने बिहेवियर में एक चेंज अडॉप्ट करें, ताकि हम वायरस की ट्रांसमिशन को रोक पाएं। थैंक यू।